डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके अंदर मैंने आपको मिंट पैरिटी थ्योरी बताई थी। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ेंगे, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता से नाम। अब बुक में कुछ बहुत कुछ दे रखा है थ्योरी के बारे में, लेकिन वो बुक वाला मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग से बता दूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझने की कोशिश करती है। वैसे ये जो थ्योरी है, ये गुस्टाव कैसल के नाम से दी जाती है। हालांकि उससे पहले कुछ और इकोनॉमिक्स ने थ्योरी दी थी, लेकिन इसको ढंग से, यानी कि रिफाइंड फॉर्म में, अच्छे तरीके से साइंटिफिक मैनर में गुस्टाव कैसल ने प्रेजेंट किया था। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कई बार ये चीजें आती हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, उसके बाद आता है चाइना का नंबर, फिर आता है जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया का भी आता है। पिछले साल इंडिया जो फिफ्थ पोजीशन पे चला गया था, इंडिया, यूके और फ्रांस कम्पीट कर रहे हैं फिर सिक्स सेवन्थ पोजीशन के लिए, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मूल बात यह है कि इंडिया जो है वहां पे स्टैंड करता है और अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। अब एक चीज होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। अब कई बार आप यह भी देखते हो कि चाइना जो है नंबर वन है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है और इंडिया तीसरे नंबर पे। तो कई बार यह भी होता है कि चक्कर क्या है, कंफ्यूजन क्या है, गलत छप गया, कहीं से कोई स्प्रिंट हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक जो बेस है जिसमें हम एक्सचेंज रेट देखते हैं, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी, उसके अंदर अमेरिका नंबर वन है, दूसरे में चाइना नंबर वन है। वो जो दूसरा है वो है पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। आपके पैसे में कितना दम है, वस्तुएं सेवाएं खरीदने का, क्षमता कितनी, उसकी क्रय क्षमता कितनी, उसके बेस पर वो बना हुआ। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एक डॉलर जो है वो 74.5 के आसपास रुपीज का है। ये मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रेट चल रहा है, ये कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ये एक्सचेंज रेट था। अब मैं आपको ये बोलूं कि ये नहीं, इसके अलावा एक और चीज भी है, उसके अंदर क्या है कि 18 से 22 रुपए के बीच का हो सकता है। ये कैलकुलेशन कई अलग अलग तरीके से की जाती है। मान लीजिए इतना है, अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, एक तरफ इतना और एक तरफ इतना कम। तो ये जो दूसरा मेजरमेंट है, ये पीपीपी के बेसिस पे किया जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। कोरोना काल में हम बाहर कुछ ज्यादा खा नहीं पाए, तो बर्गर पिज्जा वगैरह हमें बहुत पसंद है, और बर्गर तो कई लोगों को बहुत पसंद होता है। उससे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स का आपने नाम सुना हुआ है, काफी मशहूर है और दुनिया भर में बर्गर बनाते हैं। इसी के बेस पे, मतलब एक बिग मैक इंडेक्स यूज किया था, यानी बर्गर का एग्जांपल लिया था अर्थशास्त्रियों ने समझाने के लिए पीपीपी। तो बिग मैक इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ। अब वहां एक बर्गर है, ठीक है, मैकडॉनल्ड का बर्गर ले लिया, किसी का भी जो आपको पसंद हो, एक बर्गर है यूएस में, यूएसए में जो है वो एक डॉलर का आता है। इंडिया में जो है वो 50 रुपए का आता है। इंडिया में वही बर्गर, सेम चीज है, सेम क्वालिटी है, सैलेड वगैरह सेम है, वो 50 रुपए का आता है, और अमेरिका में वो $1 का मिलता है। तो आपको बर्गर खाना है तो इंडिया में 50 का खा लोगे, एक्सचेंज रेट में $1.74 का करके क्यों लेने जाओगे वहां पे। तो वो कहता है, ये थ्योरी कहती है कि $1.50 का बराबर, $1.50 का बराबर। या एक और चीज ले लेते हैं हम, अगर मान लीजिए कटिंग करवाते हैं, लड़कियां सैलून वगैरह में जाती हैं, तो अगर मानते हैं कि वही सेम लेवल, इंडिया में भी क्या है अलग अलग जगह पे थोड़ा रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन वही सेम चीज आपको मिले, मान लीजिए इंडिया में मिल रही है, सॉरी अमेरिका में मिल रही है $2, इंडिया में वही आपका 30 में हो रहा है, 30 में, या कर लेते हैं चलो महंगाई है, ये 60 में हो रहा है, 60 रुपीज में आपको वही सेवा मिल रही है, $2 वहां पे लग रहे हैं उसकी, और सेम कटिंग आपको 60 रुपए में यहाँ पे कर देगा। तो रेट क्या रहा $1 का, ₹30। ऐसे एक्सचेंज रेट हो गया। तो ये है पीपीपी, यानी कि वहां पे जो वस्तुओं का रेट है और यहाँ पे हमको वही वस्तुएं सेवाएं मिल रही हैं, तो हम उससे तुलना करेंगे, ना कि इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट है उससे तुलना करेंगे। अब ये तो था मतलब एक बर्गर का या कटिंग का एग्जाम्पल। अब मान लीजिए रियल लाइफ में कई सारी वस्तुओं को देखा जाता है, इसमें पासपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है। तो अमेरिका में $40 में वो सर्विसेज मिल रही है मान लीजिए, और इंडिया में ₹400 में मिल रही है, तो एक्सचेंज रेट हो गया $1.10 के बराबर। तो इस तरीके से वस्तु और सेवाओं की तुलना की जाती है। अब इसीलिए चाइना जो है यहाँ पे नंबर वन पे पहुंच गया, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ लोगों को मिल रही है। ये एक कारण है, ये है एक इंटरेस्टिंग चीज परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो नॉर्मल जो रेट चलता है वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक वैल्यू इंपॉर्टेंस है,
लेकिन अगर आपको काफी चीजें और जाननी है किसी देश की जीडीपी को समझने के लिए और इसके एक्सचेंज रेट को समझने के लिए, तो ये पीपीपी बेसिस भी इम्पोर्टेंट है। ये बताता है उसकी इंटरनल परचेजिंग पावर क्या है, उसकी अंदरूनी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे भी जुड़ा हो। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग है। अब सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, ये चीज है इस प्रकार से रेट डिसाइड हुआ है। अब इन्फ्लेशन का भी इस चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, अपने यहाँ पे महंगी हो जाए वस्तुएं, वहां पे महंगी हो जाए तो रेट चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं इंडिया में 10% इंक्रीज हुआ और यूएस में 5% ही इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया $1.05 और ये क्या हो गया ₹55। इसका 10% इंक्रीज हुआ, ₹55 हुआ, तो $1 कितना हुआ, $1 हो गया 55 / 1.05, 52.4 कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए पहले ₹50 थी, यहाँ पे $1 ₹50 के बराबर था, हमारे यहाँ तो 10% इंक्रीज हुआ, ज्यादा महंगाई बढ़ी, वहां पे 5% इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया डिवाइड करेंगे तो 52.4 आ गया, यानी कि अब थोड़ा महंगा हो गया डॉलर या रुपया कमजोर पड़ गया। अब अगर हमारे यहाँ पे महंगाई थोड़ी कम बढ़े, वहां महंगाई ज्यादा बढ़े, तो डॉलर कमजोर पड़ जाएगा, रुपया थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम कितनी वस्तुएं ले पाते हैं हमारे पैसे से, हमारे रुपये में कितनी ताकत है वस्तुएं वगैरह खरीदने की, डॉलर में कितनी ताकत है उससे हम तुलना करें। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये एक इंटरेस्टिंग परचेजिंग पावर पैरिटी का मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके से निकाला जाए। सिंपल एग्जाम्पल लिया था बर्गर का और मैंने ये बताया कि अगर रेट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, तो कैसे चीजें आएंगे यहाँ। इसके अलावा जो रियल लाइफ में काफी गुड्स एंड सर्विसेज यूज की जाती है, उसके आधार पे एक सिस्टम के आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये क्या थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि आंतरिक सेवाओं वस्तुओं का मूल्य निकालना करना काफी मुश्किल रहता है, काफी इसमें कैलकुलेशन आती है, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने आपको बताया। इसमें एक और चीज बताता हूँ, जैसे सैलरी की बात आती है, तो कई बार क्या हमको ये लगता है कि वहाँ यहाँ पे इतनी सैलरी मिली है, वहां पे इतनी सैलरी मिलेगी और वो डॉलर्स में कन्वर्ट होगी तो कितनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप परचेजिंग पावर देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, भारत में जो खर्चा लगेगा वस्तुओं और सेवाओं का, विदेश में जाके जो वस्तुओं और सेवाओं का खर्चा लगेगा, और पीपीपी के बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करें, तो तुलनात्मक रूप से कई बार इसमें फेवर ज्यादा आ जाता है, यानी कि इंडिया में वही सैलरी वहां मिले डॉलर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ मिले तो हमारे वाले ज्यादा सही बैठते हैं, वहां पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल जाता है और यहाँ पे 30-40 लाख मिलते हैं, तो वो पीपीपी के बेसिस पे हमारी परचेजिंग पावर, हमारा जो सस्ता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उस हिसाब की है, तो यहाँ पे कम पड़ जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। गुस्ताफ कैसल ने इस थ्योरी को दिया था, इसके बारे में और चीजें, इसकी लिमिटेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।